गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इरशाद अहमद, परीक्षा प्लस में आप सबका स्वागत है। आज जो इतिहास का पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो समझिए कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब समझिए कि मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं, उसमें क्या पढ़ना है, ठीक। और समझिए मध्यकालीन में क्या क्या आता है। आप समझ लीजिए कि मध्यकालीन पढ़ने का तात्पर्य क्या है। अब समझिए सबसे बड़ी बात है, मध्यकालीन पढ़ना समझिए कि इस्लामी सत्ता को पढ़ना, ठीक। भारत में इस्लामी सत्ता को पढ़ना, मुस्लिम सत्ता को पढ़ना, ठीक। अब समझिए कि इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से भाग हमको पढ़ना है और आपको पढ़ना है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो इसमें इसको देखिए हम चार भागों में बांटे हैं, चार भागों में बांटे हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कब कब आते हैं, समझिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। जैसे गुलाम वंश, गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है, इसके संस्थापक कौन है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछता है। फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये तो समझिए पहले राजनीतिक बताएंगे, राजनीतिक पढ़ना है। फिर राजनीति के बाद हमें सामाजिक नहीं पढ़ना है, ठीक, आर्थिक नहीं पढ़ना है। बताते इस समय हम बता देंगे, जो बहुत बहुत बड़ा आर्थिक मुद्दा होगा उसको हम बता देंगे, लेकिन हमसे हमको सबसे ज़्यादा इसमें पढ़ना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये राजनीतिक कारण पढ़ना है, राजनीतिक पढ़ना है और स्थापत्य पढ़ना है, स्थापत्य पढ़ना है और साहित्य पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, साहित्य पढ़ना है। अब समझिए कि इसमें भाषा जो है फारसी, अब समझिए कि इसमें लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, होगा आप लोगों को, लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वो सब हम बता देंगे कैसे क्या है, किस विभाग को क्या कहा जाता था। पहला भाग दिल्ली सल्तनत, और समझिए दिल्ली सल्तनत से जो गुलाम वंश से पहले भारत में क्या कुछ था, कैसे क्या था, इससे पहले जो है राजपूत काल था, तो राजपूत काल तो समझिए चलता रहेगा साथ में, ठीक। अब उससे पहले भारत में क्या हुआ, कैसे मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, अब उसको बताएंगे। इससे पहले भी एक पार्ट है, मतलब सल्तनत, प्री सल्तनत, सल्तनत से पहले भारत में कैसे इस्लामी सत्ता का उदय होता है। फिर देखिए दूसरा पार्ट, अब इन्हीं के साथ जैसे ये समाप्त हुआ या चल रहा है, ठीक, तो कुछ प्रांति हैं अपने आप को क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत से अलग हो करके इनके साम्राज्य यानी इनकी अधीनता को हटा करके वो एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा विजयनगर, बहमनी, जौनपुर, कश्मीर आता है और हैं, लेकिन ये चार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। अभी समझिए कौन कौन है, गुजरात है, मालवा है, ठीक, और गुलबर्गा है, बहुत पढ़ने हैं, लेकिन ये चार मेन है। इस चार के बाद समझिए आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन वोश्चन समझिए कि बहुत कम आते हैं, फिर भी हम बता देंगे, अभी हैं चार पांच राजा और हैं, मगर ये समझिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे विजयनगर, विजयनगर का समझिए कि साहित्य बहुत ज़रूरी है और यहाँ का स्थापत्य कला, कश्मीर का राजनीतिक और साहित्य दोनों पढ़ना है हमको, ठीक। अब तीसरा पार्ट देखिए आता है, तीसरा पार्ट दिल्ली सल्तनत का ही, ठीक, सूफी और भक्ति आंदोलन, ठीक। जैसे भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन, सूफी ये देखिए, सूफी जो है ये इस्लामी सत्ता, इस्लामी मुस्लिम सत्ता की ये जो आंदोलन था, ये मुस्लिम सत्ता की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, उनको प्रचार करने के लिए, धार्मिक प्रचार के लिए ये सूफी थे, ठीक। जैसे उसमें पढ़ाए थे हम आपको प्राचीन काल में, जैसे बौद्ध, जैन और संप्रदाय पढ़ाए थे, वैसे ये है। और समझिए कि ये समझिए भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन क्या था, भक्ति आंदोलन ये था कि समझिए कि हिंदू धर्म से प्रभावित होकर के भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन का हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मध्यकालीन जब पढ़ाएंगे तो संबंधित होगा, राजाओं के, राजा के दरबार में लोग रहते थे, जैसे ये थे, तो ये तो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, और समझिए कि आप लोगों को बहुत अच्छे से हम बता देंगे। फिर देखिए जो मध्यकालीन भारत का तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है मुगल काल, मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य में देखिए क्या पढ़ना है, कि यहाँ पे देखिए राजनीतिक पढ़ना है, ठीक, मुगल काल में राजनीतिक पढ़ना है, सामाजिक पढ़ना है, धार्मिक पढ़ना है, साहित्यिक पढ़ना है, और जो सबसे बड़ा पढ़ना है समझिए स्थापत्य कला,
जिसकी झलक बहुत दिखती है, आज भी दिखती है, ठीक। और फिर उसमें इसमें देखिए मुगल काल के पीरियड के समय ही, यहाँ पे मान लीजिए पांचवा पार्ट है मराठा का उत्कर्ष, ध्यान दीजिएगा मराठा उत्कर्ष, मराठा उत्कर्ष, जैसे शिवाजी थे, ठीक, मराठा साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब पढ़ना है। तो फिर और देखिए जैसे बताएं कि इससे पहले क्या पढ़ना है हमको, जैसे इससे पहले क्या पढ़ना है, इससे पहले समझिए कि ये पढ़ना है कि इस्लामी राज्य जब पढ़ रहे हैं, या समझिए कि इस्लामी राज्य शुरू होने जा रहा है, तो इस्लामी राज्य पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि उसका उदय कब होता है, ये जानिए कि सबसे नवीन धर्म जो है, नया धर्म, वो है इस्लाम। इस्लाम धर्म में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो सब हम आपको बताएंगे, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और संस्थापक कौन थे, ठीक, और समझिए कि उनके धार्मिक नेता कौन थे, कैसे क्या हुआ, वो सब बताते हैं। लेकिन ये समझिए कि ये स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप उतार लीजिएगा, जैसे पढ़ने से पहले जैसे हम सल्तनत पढ़ा रहे हैं, तो सल्तनत की सब लिख करके फिर इनको समझिए भी कटराइज करना है, कितने राजा हुए, कैसे क्या किए, कि वही पढ़ना है, ठीक। अब आइए हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत काल, ठीक, आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत। अब समझिए कि पूरे समझिए कि जो यहाँ से काल स्टार्ट होता है, इसको दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली से शासन, ठीक, दिल्ली सल्तनत, ठीक। कई लेखकों ने क्या क्या कहा है इसके बारे में, भी जैसे जैसे कमेंट आएगा वैसे बताते चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत यानी कि इस्लामी राज्य, ठीक, इस्लामी राज्य। अभी सुन लीजिए पहले कहानी, भारत मतलब विश्व में इस्लाम जो है एक नवीन धर्म है, सबसे नया धर्म है। अब इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, समझिए कि जो सबसे इनके मेन है जो हजरत मोहम्मद साहब, ठीक, उनके जन्म से इस्लामी सत्ता की शुरू होती है, इस्लाम धर्म शुरू होता है। सबसे बड़ा देखिए उसमें क्या क्वेश्चन कैसे आता है कि उनका धर्म कहाँ पे, उनका जो धर्म स्थान जैसे बौद्ध धर्म का मूल जो स्थान है वो भारत है, तो इस्लाम धर्म का मूल स्थान कहाँ पे है, जहाँ उनका जन्म होता है, जहाँ हजरत साहब का जन्म होता है, ठीक, हजरत साहब का जन्म जहाँ होता है वहाँ पे समझिए मूल इस्लाम का मूल निवास मूल स्थान है, जैसे मक्का, इनका जो जन्म, जैसे देखिए जान लीजिए हजरत साहब जो थे, ये इस्लाम धर्म से इनके जन्म से ही, ध्यान दीजिएगा, इनके जन्म से ही जैसे 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है, कहाँ पे, मक्का में जन्म होता है, तब यहीं से इस्लामी राज इस्लाम धर्म शुरू हो गया। तो समझिए कि 570 में इनका जन्म मक्का में हुआ, ठीक। अब क्या करते हैं देखिए, फिर उसके बाद जब इनका जन्म तो मक्का हो गया, जैसे आप सुनते होंगे कि हज करने लोग जाते हैं, मक्का मदीना दो नाम क्यों लेते हैं, समझिए कि सऊदी अरब में ही मक्का और मदीना दोनों दो है, ठीक। तो जन्म तो यहाँ पे होता है, जैसे देखिए यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में होता है, लेकिन उनका सबसे जो प्रचलन है, सबसे ज़्यादा उपदेश, जैसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, कहाँ जाके वो सबसे फेमस हुए, बौद्ध स्थल के रूप में सबसे ज़्यादा फेमस जो सारनाथ है वहाँ पे हुए थे। तो सारनाथ भी पूछता है, जैसे इसमें भी देखिए ध्यान दीजिएगा, जब जन्म तो यहाँ हो गया, पहला क्वेश्चन बन गया आपका, और ए बन गया मुस्लिम राज्य की, मुस्लिम इस्लाम धर्म का शुरुआत इनके जन्म से होता है, कब से होता है, 570 ईस्वी से होता है, और जन्म स्थान कहाँ पे है, मक्का में है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब मक्का से 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में प्रचार करने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए मदीना जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मदीना जाते हैं, तब समझिए कि इनके इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, जब गौतम बुद्ध जब घर से निकले थे, ठीक, जब घर से निकले थे तो कुछ कहा गया, ठीक, कुछ कहा गया, तो अब समझिए कि इन जो ये जब घर से निकलते हैं प्रचार के लिए मक्का के मदीना के लिए, तो क्या कहा गया, हिजरत करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, यानी हिजरत करना, ठीक, प्रचार के लिए जाते हैं मदीना। अब यहीं से समझिए 622 ईस्वी से ही हिजरत संवत, जो इस्लामी कैलेंडर है हिजरत संवत, समझिए कि यहीं से शुरू होता है हिजरत संवत, ध्यान दीजिएगा, रिलेट करके चलिए, मक्का में जन्म हुआ,
522 में मदीना गए। अब समझिए कि जब वहाँ से गए प्रचार के लिए मदीना में, तो उसको हिजरत कहते हैं। अब यहीं से हिजरत संवत की स्थापना होती है। ठीक, अब समझिए क्या होता है। अब समझिए कि 632 ईस्वी में इनकी मदीना में मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लोग जाते हैं मक्का और मदीना नाम एक साथ आप सुनेंगे, वहाँ पर हज करने के लिए। ठीक, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब समझिए कि इनके जो धार्मिक, अब समझिए कि इनके जो फॉलोअर थे, ठीक, अब बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे पूछा जाता है, वैसे बता रहे हैं। ठीक, अब जो इनके फॉलोअर, जो इस्लामी धर्म के नेता थे, इनके मानने वाले जो नेता थे, जो धर्म को आगे प्रचार कर सके इनकी मृत्यु के बाद, उनको हम कहते हैं खलीफा। खलीफा, खलीफा, ध्यान दीजिएगा, खलीफा। ठीक, खलीफा कहते हैं। अभी देखिए कि जब, थोड़ा रिलेट करिए, जब खिलाफत आंदोलन जब भारत में शुरू होता है, गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं, तो समझिए कि यहीं पे ये क्या करते हैं अंग्रेज, जो खलीफा की मान्यता है वो समाप्त कर देते हैं। यही इसी को लेकर हुआ है। तो खलीफा, ये समझिए कि खलीफा को बस इतना जानिए, जो धार्मिक नेता होता था वही खलीफा होता था। ठीक, अब देखिए, अब खलीफा कौन कौन है, हमको सब खलीफा को नहीं पढ़ना है, जो स्टार्टिंग के चार खलीफा हैं उनको पढ़ना है, और जो अंतिम खलीफा है उसको पढ़ना है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, चार पाक दामन, जो चार मेन हैं, दामन खलीफा, चार पाक दामन खलीफा। ठीक, चार पाक दामन खलीफा कौन थे, ध्यान दीजिएगा, इसका सीक्वेंस भी पूछता है। ठीक, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे, और अंतिम कौन थे, ध्यान दीजिएगा। अबू बकर पहले थे, अबू बकर, यानी कि इनके मरने के बाद जो तुरंत जो पहले खलीफा हुए थे, अबू बकर हुए थे। ठीक, जो दूसरे हुए थे, ध्यान दीजिएगा, ये पहले हो गए, दूसरे उमर, दूसरे उमर हो गए। ये माना जाता था उमर क्या थे, सबसे ज़्यादा विस्तार किए थे और बहुत गुस्सैल टाइप के थे। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मगर ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, ये क्या थे, बहुत ज़्यादा विस्तार किए थे, सबसे ज़्यादा प्रचार धर्म का इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। ठीक, दूसरे खलीफा हो गए। अब तीसरे खलीफा जो थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, ध्यान दीजिएगा, उस्मान तीसरे खलीफा। ठीक, बस सिक्वेंस देखिए। और जो चौथे खलीफा हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, चौथे खलीफा अली। अब जिनकी हत्या हो गई थी, कि जिनकी हत्या के उसमें जो मुहर्रम, जो इस्लामिक पर्व है मुहर्रम, जो मनाया जाता है, इन्हीं के हत्या के उसमें मनाया जाता है। ठीक, इनकी हत्या हो जाती है, ये अली थे। अब चार पाक दामन खलीफा दे दे कि अंतिम खलीफा, चार पाक दामन में जो खलीफा थे अंतिम कौन थे, अली थे। ठीक, अब देखिए, अली थे, बीच में और खलीफा होते गए, बहुत मतलब का नहीं है, लेकिन जो लास्ट खलीफा, अंतिम खलीफा कौन है, अंतिम खलीफा की हत्या होती है, अंतिम खलीफा की भी हत्या होती है, जो समझिए कि अंतिम खलीफा जो मुस्लिम धर्म के प्रचार करने वाले जो अंतिम खलीफा थे वो कौन है, ध्यान दीजिएगा, अल मुत्तसिम। नाम थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी लगन, लेकिन एक बार जब आप रट लिए, बैठ गया दिमाग में, अल मुत्तसिम, ठीक, तो फिर आपको भूलेगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अल मुत्तसिम थे, लेकिन आप नाम सुने होंगे, अभी पढ़ाएंगे तो फिर आएगा कि बलबन थे, गुलाम वंश में बलबन। ठीक, ये क्या थे, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, ये मानते थे कि हम राजा हैं तो हम किसी का सुन नहीं सकते, ना उलेमा वर्ग की सुनेंगे, ना किसी का सुनेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक मंगोल को बुलाते हैं भारत में, मंगोल को, उस मंगोल का नाम है हलाकू खान। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हलाकू खान रहते हैं, ये मंगोल हैं। ये क्या करते हैं, इनको बलबन, इनको पैसा दे करके अल मुत्तसिम को 1258 ईस्वी में ये मरवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं, किसकी, अल मुत्तसिम की। ठीक, तो ये पूछता है अंतिम खलीफा कौन है, अल मुत्तसिम है। अल मुत्तसिम की हत्या किसने की, हलाकू का की, किसने करवाया, बलबन करवाया। अब देखिए, आपका खलीफा का दौर यहां से समाप्त हो गया। ठीक, अब आइए,
अब आइए देखिए, जितना हम बताए हैं उतना ही मेन है, ठीक। अब बाकी आप यहाँ इसको पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब वो समझिए कि जितना हम अभी बताना है वो सब हम बता चुके, अब वही सब समझिए कि है। देखिए 732 ईस्वी में, 732 ईस्वी में जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, यही है पूरा नाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के बाद, 6 वर्षों के जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तब समझिए कि आपसी संघर्ष स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक, कि अब क्या किया जाए, ठीक ना। अब देखिए कि 6 वर्षों के अंदर उनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन व ईरान को जीत लिया, ठीक। इनके उत्तराधिकारियों ने, आपको बताया ना, इनके उत्तराधिकारियों ने, इनके उत्तराधिकारी कौन थे, वही 4 पाकदामन खलीफा, आपसे कहे थे ना, उत्तराधिकारियों जिसमें सबसे ज्यादा विस्तारवादी उस्मान थे, उमर थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ठीक, वही उत्तराधिकारी का नाम यहां पे लिया गया है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस समय खलीफा साम्राज्य फ्रांस के लायर नामक स्थान से लेकर के आक्सस एवं काबुल नदी तक फैल गया था। ध्यान दीजिएगा कि बहुत तेजी से जब कोई चीज नया होता है तो बहुत तेजी से फैलता है। अब समझिए, धर्म समझिए कि भी 632 से, 632 से फैलना शुरू किया और समझिए कि फ्रांस तक पहुंच गया। अब ध्यान दीजिएगा, खिलाफत संस्था का गठन हुआ जो इस बात का निर्णय करती थी कि इस्लाम का उत्तराधिकारी कौन है। ध्यान दीजिएगा, अब ये माना जाता है कि जैसे अभी आप सल्तनत जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें एक दिया जाता है कि इस्लाम क्या है, ये अपने जीवित होने पर ही उत्तराधिकारी का चयन कर देता था, जो योग्य पुत्र होता था या पुत्री होती थी उसको उत्तराधिकारी इसलिए चुना जाता था कि आपसी संघर्ष ना हो। लेकिन सत्ता की प्राप्ति में क्या होता था कि आपसी संघर्ष होना शुरू हो जाता था, ठीक, जैसे आज भी है। सत्ता की प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया जाता था प्राचीन काल से लेके आज तक। जैसे प्राचीन काल में क्या हुआ था, आपको बताए ही थे, अजातशत्रु ने सत्ता की प्राप्ति के लिए अपने पिता की हत्या कर दिया, ठीक, तो वही आज भी हो रहा है, ठीक, वही सल्तनत में भी था, ठीक। अब जो फिर देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त अबू बकर, ध्यान दीजिएगा, अबू बकर, पहले खलीफा अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अगर पूछ दे कि हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद पहले उत्तराधिकारी कौन थे, 4 पाकदामन खलीफा में सीक्वेंस बता चुके हैं, पहले कौन थे, अबू बकर थे, अबू बकर थे, ठीक, फिर उमर थे, फिर उस्मान थे, फिर अली थे, बार बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिए, पहले 4 खलीफा ने हजरत मोहम्मद साहब से अपने रिश्तों को के कारण खिलाफत हासिल की, खिलाफत मतलब उत्तराधिकारी, इसीलिए ना खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसका जान लीजिए शाब्दिक अर्थ होता है उत्तराधिकारी, ठीक। अब आइए आप, जो इनके हजरत मोहम्मद साहब जो थे जब मर गए तो समझिए कि कुछ वंश आते हैं। अब उन वंश का नाम देखिए कि सबसे पहले वंश कौन सा आता है, जैसे वंश में थे उमैया वंश थे, ठीक, अब्बासी वंश थे, ठीक, ध्यान दीजिएगा, उनमें से जो उत्तराधिकारी चुने गए तो उसमें से देखिए कौन कौन वंश आता है, उमैया मतलब उमैयदों, उमैया वंश, अब्बासियों, अब्बासी वंश के काल में इस्लाम का विस्तार हुआ, अब्बासियों ने ईरान में अपनी सत्ता कायम की, ईरान में, ध्यान दीजिएगा, ईरान में अपनी सत्ता कायम की, ईरान के पारसियों को या तो इस्लाम ग्रहण करना पड़ा या फिर वे भागकर सिंध में आ गए, सिंध मतलब यही सिंध, सोचिए वहां से या तो इस्लाम, यानी कि समझिए कि कुछ ये जबरदस्ती भी था, ठीक। अब ध्यान दीजिए, या तो आप स्वीकार करिए या वहां से भाग गए, ठीक। जब सिंध में आक्रमण बढ़ने लगे तो गुजरात में बस गए जाकर के, गुजरात में आकर बस गए। अब देखिए 7वीं सदी के बाद भारत अरब और तुर्कों, तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, ठीक। अरब के खलीफाओं ने भारत पर कई अभियान चलाए। अब ध्यान दीजिएगा कि जो अरब यात्री थे, अरब थे सब, अगर पूछे सबसे पहले भारत पे सफल की बात हो रही है यहाँ पे, पहले सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कौन किया था, ध्यान दीजिएगा, हम ना तुर्क का नाम ले रहे हैं ना
अरब का नाम ले रहे हैं ना अफगान का नाम ले रहे हैं, अगर पूछ दे पहला तुर्क पहला आक्रमण मुस्लिम आक्रमण सफल कौन किया था, मुस्लिम, तो मोहम्मद बिन कासिम किया था। ठीक, पहला अरब आक्रमण कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम किया था। पहला मुस्लिम तुर्की आक्रमण कौन किया था, कि ये तो थे सुगुप्तगिन भी, लेकिन वो सफल नहीं था। वो सफल किसका माना जाता है, मोहम्मद गजनवी का माना जाता है। ठीक, महमूद गजनवी का माना जाता है। ठीक, अब देखिए प्रथम अफगानी राजवंश कौन थे भारत में, पहले सबसे पहले आक्रमण करते हैं तो वो समझिए कि लोदी थे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक ना, मुस्लिम पूछ रहा है या अरब पूछ रहा है या तुर्क पूछ रहा है, ठीक, या अफगान पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले भारत में अफगानिस्तान भी शामिल था, सही बात है, हिंदू कुश वाला बेल्ट जो था, पाकिस्तान भी भारत में ही था, अफगानिस्तान भी भारत में ही था। ठीक, अफगानिस्तान कुछ इतिहासकार के अनुसार 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया था। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान दीजिएगा अभी आएगा, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में, कहां पे, सिंध में। ठीक, ये आक्रमण करता है जो सफल होता है। ठीक, अभी आगे आएगा, आप देखिएगा, भारत के सिंध और मुल्तान पर आक्रमण करता है। ध्यान दीजिएगा कि सिंध पर आक्रमण करता है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो था कहाँ पे आक्रमण किया था, सिंध पे आक्रमण किया था। ठीक, सिंध क्या था, उस बेल्ट से जैसे सिंधु नदी सिंधु चिनाब झेलम, वो जो है उसके इधर आने में समझिए डरते इसलिए थे कि हम तो चले तो जाएंगे लेकिन इधर का वातावरण भी कुछ वैसा था जलवायु के कारण। ठीक, और समझिए कि यहाँ पे अभी समझिए कि भारत में क्या था, राजपूत काल चल रहा था, इसका भी डर था। ठीक, अब आइए मोहम्मद बिन कासिम, अब ध्यान दीजिए मोहम्मद बिन कासिम कौन था, ये अरब का आक्रमणकारी था। ध्यान दीजिएगा, जिसका मकसद था भारत में सत्ता स्थापित करना नहीं था, धन की प्राप्ति था और इस्लाम का प्रचार था। ठीक, सत्ता स्थापित करता ही नहीं था। ठीक ना, अब आइए देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम एक नवयुवक अरब था, ध्यान दीजिएगा तुर्क नहीं था, अरब था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अरब सेनापति था, उसने इराक के प्रांतपति अल हज्जाज, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ सकता है कि इनको किसके भेजा था, किसके दरबार में सेनापति थे, अल हज्जाज थे। ठीक, अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के चचा और ससुर भी थे। ठीक, सिंध के शासक दाहिर, ध्यान दीजिएगा, जब ये आक्रमण करते हैं मोहम्मद बिन कासिम वर्सेज दाहिर, अब क्या करते हैं, इनकी विजय हो जाती है, इनकी हार हो जाती है, समय क्या है, समय 712 ईस्वी, और यहां का राजा जो था दाहिर था, किसने भेजा था, अल हज्जाज भेजा था, और एक कहां पे, सिंध में। ठीक, आइए आगे, कासिम को सिंध भेजने का कारण था, समुद्री लुटेरे अल हज्जाज के जहाजों को जिस क्षेत्र में लूट रहे थे वह क्षेत्र दाहिर के राज्य में था। ठीक, दाहिर मतलब वही सिंध, नीचे अरब सागर, वहाँ पे था, ये था कि उस क्षेत्र सब वो जहाज इनके थे, मालगाड़ी थे, ऐसे लुटेरे लूट रहे थे। ठीक, ये क्या समझे कि वहाँ जाके इनसे हम बात करेंगे, आक्रमण कर नहीं मानेंगे तो आक्रमण करेंगे, फिर वहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों लोगों में युद्ध हो गया, और जिसमें समझिए कि एक इतिहास बन गया और हमारे लिए क्वेश्चन बन गया कि मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम करते हैं, राजा दाहिर होते हैं, और किस स्थान में करते हैं, सिंध में करते हैं। ठीक, आइए, दाहिर ने इस बात से साफ इनकार किया कि लुटेरों से उनके राज से कोई संबंध है, ये सही बात है, लुटेरे लूट रहे हैं तो उसके बारे में हम क्या जाने, क्योंकि जहां ये थे वहां से हिंदू कुश में थे, अब समझे सिंध में थे, अब वहां समझे अरब सागर तो करीब में है, लेकिन कौन क्या कर रहा है अब इनसे उतना मतलब थोड़ी था, लेकिन ये था कि राजा है वहां के, तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम क्या सोचे कि राजा हैं तो इनका कर्तव्य बनता है कि ये समझिए कि निवारण करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए, कासिम का भारत पर
आगमन अलहज्जाज बताए थे। अलहज्जाज ने दाहिर से अपने लूटे गए जहाज़ों को मांगने के लिए गए, लेकिन वो इनकार कर दिए। जब इनकार कर दिए तो दोनों लोगों में युद्ध हो गया। ठीक, अब देखिए, बदले जुर्माने की मांग की, किंतु दाहिर ने असमर्थता जताते हुए कहा कि उसका उन लुटेरों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई सही बात है, जब हमारा उन पर नियंत्रण नहीं तो हम क्यों दंड दें। ठीक, लेकिन ये तो अंग्रेज़ है नहीं, दंड नहीं देंगे तो फिर हम कर लगा देंगे। अब ये क्या करते हैं, ये युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दाहिर इस जवाब से क्रुद्ध होकर खलीफा अलहज्जाज ने, ठीक ना, अलहज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय लिया। ठीक, लगभग 712 ईस्वी में अलहज्जाज के भतीजे एवं दामाद जो मोहम्मद बिन कासिम थे, अलहज्जाज जो वहाँ के राजा थे अरब के, वो समझिए कि उनके भतीजे मोहम्मद बिन कासिम या उनके दामाद, वो दामाद भी थे और भतीजे भी थे, तो समझिए उनको आक्रमण करने के लिए दाहिर के ऊपर भेज दिए सिंध में, जो आक्रमण होता भी है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम विजयी होते हैं। अब ध्यान दीजिए, कई आक्रमण करते हैं मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन सफलता उनको मिलती है सिंध में 712 ईस्वी में, सफलता उनको मिलती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि कब आक्रमण करते हैं 712 में, सबसे पहले कौन करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम करते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने लगातार कई आक्रमण किए और अपने इन आक्रमणों में उसे विजय प्राप्त होती चली गई। उसने अपने नेतृत्व में जितने भी अभियान चलाए उन सभी में लगभग उसे विजय प्राप्ति होती है मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक, अब आइए, अब ध्यान दीजिएगा, देवल विजय। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम कौन कौन विजय किए हैं, अब ये समझिए कि उतने फेमस तो नहीं हैं, अकबर इतना फेमस नहीं है कि इनकी विजय उतना पूछी जाएगी। ठीक, जैसे पानीपत की विजय अकबर की थी, फिर उसके बाद जो हल्दी घाटी की विजय थी, अब जो जो उनकी विजय थी वो तो पूछी जाती है, लेकिन ये उतने बड़े करेक्टर नहीं हैं कि इनकी सब विजय हमें पढ़ना है, इनकी सब विजय पूछी जाएगी। इनकी मात्र एक विजय आप देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध पर आक्रमण किया था, दाहिर पे किया था, वही इनका पूछा जाता है। अब आइए देखिए कि एक बड़ी सेना लेकर मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में देवल पर आक्रमण कर दिया। दाहिर अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए देवल की रक्षा नहीं कर सका। ध्यान दीजिएगा कि रक्षा नहीं कर सका, पश्चिमी किनारों को छोड़कर पूर्वी किनारों के बचाव से लड़ाई प्रारंभ कर दी। दाहिर के भतीजे ने राजपूत से मिलकर किले की रक्षा करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। क्योंकि कारण क्या था कि समझिए कि इस समय, और एक कारण जान लीजिए कि ये आकर भारत में राज्य क्यों किए, क्योंकि भारत में जो राज क्यों किए, सबसे बड़ा कारण क्या था कि एकता नहीं थी यहाँ के राजाओं में, छुटपुट राजा थे। कोई बंगाल में राज कर रहा है तो कोई नीचे कर रहा है, कोई सिंध में कर रहा है, कोई गुजरात में कर रहा है, आपस में कोई नहीं था, एक था। तो ये जो अरब थे, जो तुर्क थे, जो मुस्लिम थे, उसी का फ़ायदा उठा करके धीमे धीमे सबको समाप्त किए और संपूर्ण भारत पे अपना राज स्थापित कर लेते हैं। ठीक, अब आइए, देउल विजय हो गया, अब नेउन की विजय। नेउन पाकिस्तान में वर्तमान हैदराबाद के दक्षिण में स्थित चराग के समीप है। देवल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नेउल की ओर बढ़ा और दाहिर ने नेउल की रक्षा का दायित्व, तो इससे देखिए, इससे ये पता चलता है कि आप सिर्फ दाहिर को याद रखिए, दाहिर समझिए कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि दाहिर के समय में ही मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था। ठीक, अब ध्यान दीजिए, बेटे जय सिंह को ब्राह्मणवाद बुला लिया। ब्राह्मणवाद, नेउल में बौद्धों की संख्या अधिक थी, उन्हें मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया। इस प्रकार बिना युद्ध किए ही मीर कासिम नेउल दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जो कोई मतलब का नहीं है। अब देखिए सेवान विजय भी वही है जो बहुत मतलब का नहीं है। अब आइए, राउर विजय।
शीशम विजय के बाद जो इससे पहले विजय होती है, आपसे बताए थे ना, ये तो अकबर नहीं है, बलबन नहीं है या फिर बाबर नहीं है, कि इनकी विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी बार बार। क्यों कह रहे हैं कि बार बार अगर आपको कुछ भी नहीं इसमें पढ़ना है, बहुत वो करना है कि छोड़िएगा तो बिल्कुल नहीं, बस आप थोड़ा सा इसको जान लीजिए, एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि ये कौन थे, आक्रमण क्यों किए थे, कारण क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक, परिणाम अभी आपको मिलेगा। परिणाम ये होता है कि समझिए, यहीं से समझिए कि मुस्लिम सत्ता, इस्लामी सत्ता की भारत में स्थापित हो जा स्थापना शुरू हो जाती है, कदम समझिए कि शुरू हो गया। जैसे मान लीजिए कि जैसे आधुनिक भारत हम पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो यूरोपियों का आगमन होता है। ठीक, उसमें भी ध्यान दीजिएगा, कहानी सेम ही है। अरब आते हैं, तुर्क आते हैं, अफगान आते हैं, उसमें देखिए यूरोप तो आते ही हैं। यूरोप मतलब समझिए कि मुस्लिम, यहाँ से रिलेट करिए कि यानी कि मुस्लिम शासन, यानी यूरोप, अंग्रेज यूरोप में आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, सब आते हैं। ठीक, अपनी अपनी सत्ता धीमे धीमे स्थापित कर लेते हैं। वही हाल इनका हुआ, वही हाल इनका हुआ, इनका था। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत वो नहीं है, इसी युद्ध में दाहिर मारा गया, दाहिर की मृत्यु होती है। अब समझिए कि मोहम्मद बिन कासिम, बस मोटी मोटा जानिए, मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध लड़ते हुए मारे गए कौन, दाहिर, जो सिंध के राजा थे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ब्रह्मणावाद पर अधिकार, ब्रह्मणावाद की सुरक्षा, ये पाकिस्तान के बताए थे हैदराबाद में, का दायित्व तो दाहिर के पुत्र जयसिंह के ऊपर था, दाहिर के पुत्र जयसिंह के ऊपर था। उसने कासिम के आक्रमण का बहादुरी के साथ सामना किया, किंतु नगर के लोगों के विश्वासघात के कारण, ये जानते ही हैं, आज भी लोग अपने ही लोग विश्वासघात करते हैं, तभी वो दूसरे लोग हम पे आक्रमण कर देते हैं। तो समझिए कि विश्वासघात किए कौन, इनके अपने लोग विश्वासघात किए, जिसके उपलब्ध में समझिए कि इनके पिता, जयसिंह के पिता दाहिर मारे गए मोहम्मद बिन कासिम से। ठीक, पराजित हो गया और ब्राह्मणवाद पर कासिम का अधिकार हो गया। ठीक, ब्राह्मणवाद पर एक क्वेश्चन हो सकता है काम लायक, ब्राह्मणावाद नाम है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे समझिए अधिकार किसका हो गया, मोहम्मद बिन कासिम का हो गया, पहले दाहिर का था। ठीक, कासिम ने यहाँ का कोस तथा दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाडी के साथ उनकी दो पुत्रियाँ सूर्य देवी तथा परमल देवी को अपने कब्जे में ले लिया, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, ओलोर विजय, मुल्तान विजय। ठीक, अब आइए आप देखते हैं, देखिए अब जो मोहम्मद बिन कासिम जो युद्ध किए थे, जो उसका वर्णन किसमें दिया, किसमें है, ध्यान दीजिएगा कि चाचनामा नामक एक पुस्तक है। अब मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय का वर्णन है, ध्यान दीजिएगा, किस विजय का वर्णन है, सिंध विजय का वर्णन है। और ठीक ना, किसका, कासिम की मौत, ध्यान दीजिएगा, कासिम की मौत कैसे हुई, इसके बारे में घटनाओं का वर्णन मिलता है किसमें, चाचनामा नामक ऐतिहासिक दस्तावेज में, ग्रंथ में। ठीक, जिसके अनुसार कासिम ने जब राजा दाहिर सेन की बेटियों को तोहफा बनाकर खलीफा के लिए भेजा, तो खलीफा ने इसे अपना अपमान समझा, अपमान समझा कि कासिम पहले ही उनकी इज्जत लूट चुका है और अब खलीफा के पास भेज दिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात इसने कहा, कौन, अल हज्जाम, जो इसका जो राजा था, ठीक, अरब का जो राजा था, बहुत बड़ी बात किया, कहा कि इसी चाचनामा में वर्णन है, इस चाचनामा के बारे में हम फोकस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसने ये कहा कि आप तो सब कुछ वहाँ किए हैं, फिर समझिए कि उनकी दो पुत्रियाँ को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है। ठीक, एक क्रुद्ध हो गए, अल हज्जाम जो थे वो क्रुद्ध हो गए, यानी खलीफा जो थे वो क्रुद्ध हो गए, किस पे, मोहम्मद बिन कासिम पे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी देखिए कहानी क्या है, कितना वो है कि ऐसा समझकर खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेट कर वापस दमिश्क मंगवाया। ठीक ना, ध्यान, किसको, कासिम को, जो मोहम्मद बिन कासिम है उनको। एक कहानी क्या होती है कि उनमें क्या किए हैं कि एक समझिए कि बैल के चमड़े यानी खाल मंगवाते हैं, अब उसमें भरवा करके उनको मरवा देते हैं, यानी कि अपने दामाद को ही मरवा देते हैं। क्यों, क्योंकि इनको पसंद नहीं था ये चीज़। क्या करते हैं, उनकी दो पुत्रियों को लाते हैं,
ठीक कहाँ से? अब दाहिर की पुत्रियों को भी राजा आए, यानी कहे कि माने लूटे तो ठीक है, वहां के राज्य को लूटे तो ठीक है, धन लूटे तो ठीक है, लेकिन आप किसी की इज्जत उछाले हैं। ठीक, आइए, उसकी चमड़ी बंद होकर दम घुटने से उसको मर गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी राजा थे, ऐसे भी राजा थे जो समझिए कि विवेकी थे, जो समझ लेते थे गलत क्या है सही क्या है। ठीक ना, न्याय के मामले में कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई घर का नहीं, कोई सगा संबंधित नहीं। ठीक, लेकिन बाद में खलीफा को पता चला कि दाहिर सेनी की बेटियों ने झूठ बोला, तो उसे तीनों बेटियों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। ध्यान दीजिएगा, साक्ष की जरूरत ही नहीं, क्या कि ये उनकी बेटियों को भी मरवा दिए। लेकिन ये बस एक का ये क्या है कि चाचनामा में वो कहानी है, साक्ष कहीं नहीं मिला है, बस एक कहानी के रूप में है। कहानी के रूप में इसलिए लिखा गया है कि आपको थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। बस यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है इस पूरी कहानी में, आपको बस ये पढ़ना है कि चाचनामा का नाम याद रखना है, चाचनामा का नाम याद रखना है, जिसमें कासिम की सिंध विजय का वर्णन है, अली नामक एक व्यक्ति उसको लिखा है। ठीक, अब आइए दूसरी घटना में ईरानी इतिहासकार बलाजुरी के अनुसार कहानी अलग थी। आपसे कहें ना कि जितने लोग बताएंगे कहानियां उतनी अलग रहेंगी, बस इसलिए बता दिया जाता है कि आपको थोड़ा दिमाग में कहानी बैठी रहे। अभी भारतीय लेखक आएंगे, जैसे ईश्वरी प्रसाद हैं, फिर उसके बाद मिनहाजुद्दीन सिराज हैं, ये सब समझिए कि अलग अलग चीज़ें बताएंगे। ठीक ना, अलहज्जाम का दुश्मन था नया खलीफा जो था, अलहज्जाम का दुश्मन था, और उसने अलहज्जाम के सभी सगे संबंधित को सताया। बाद में उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाकर इराक, अब समझिए कि वही कहानी है जो हम बता रहे थे। ठीक ना, अब आते हैं, देखिए अब जो आते हैं, जो मेन रूप से अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अब थोड़ा यहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अब समझिए कि यहाँ से मेन जो इतिहास की कहानी है, अब यहाँ से पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक, अभी तक तो आप लोग भी बोर हो रहे थे कि क्या है, कितना कहानी, कितना मार झगड़ा, कितना क्या है, हम नाम से परिचित भी नहीं है। सही बात है, कोई नाम से परिचित नहीं था, बस मोहम्मद बिन कासिम के अलावा कोई नाम से परिचित नहीं था, ना दाहिर के नाम से, ना अलहज्जाम के नाम से, ना उधर पढ़ाए चार पाक दामन खलीफा के नाम से कोई परिचित नहीं था, इसलिए थोड़ा बोर था। अब यहाँ से समझिए कि असली कहानी भारत में यहाँ से शुरू होती है, महमूद गजनवी। अब ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं महमूद गजनवी कौन थे। ठीक, महमूद गजनवी कहानी सुनिए, ये समझिए गजनी, जो गजनी था वहाँ के समझिए कि एक राजा थे, उनके बेटे थे। ठीक, अब उस राजा की कहानी थोड़ा सा जानिए, वो कैसे राजा बने। देखिए, अगर वो सबसे बड़ा है क्या कि इसके गजनी वंश की का संस्थापक कौन है, गजनी का संस्थापक कौन है। ठीक ना, जो गजनी था, ये तो गजनवी तो इनकी टाइटल है, गजनी मतलब स्थान। ठीक ना, गजनी। अब ध्यान दीजिएगा कि एक अलप्तगीन थे। ठीक, अब इनके सेनापति या इनके दामाद, ठीक, सुगुप्त गीन थे। ठीक, अब इनके जो पुत्र थे ये महमूद गजनवी थे, किसके, सुगुप्त गीन के पुत्र थे, महमूद गजनवी। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन पूछता है कि अब आपको पढ़ना क्या है कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। ठीक, अलप्तगीन था, जो सुगुप्तगीन था वो समझिए कि भारत में तो आक्रमण करता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा साक्ष्य नहीं मिलता है, वो सिंध के उधर से ही लौट जाता है, सिंध के उस पार से यानी हिंदू कुश से ही लौट जाता है। फिर क्या ये आकर के पूरी कहानी जान लेता है, भारत में है क्या एकता है कि नहीं है, भारत में कितने धन है। ठीक, ये सब कुछ जान लेता है। अब ये समझिए कि बताता है अपने बेटे को, महमूद गजनवी को। अब समझिए कि वही महमूद गजनवी है जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया, यानी 17 बार भारत को लूटा, 17 बार भारत को लूटा, जिसका मात्र और मात्र कारण है कि धन की प्राप्ति, ना कि राज्य की स्थापना। एक यहाँ क्या होता है,
अब समझिए कि क्यों वो आक्रमण करता था। ये सोचता था कि हम यहाँ से अगर धन प्राप्त करके गजनी में लेकर जाएंगे अपने घर पे, तो वहाँ पे हम एक अच्छे शासन, अच्छा शासन चला सकते हैं, एक अच्छे वहाँ के लोगों को हम कुछ ना तो कुछ दे सकते हैं। ठीक, इसलिए धन की प्राप्ति होती है इसको। यहाँ से 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है सोमनाथ का आक्रमण है। सोमनाथ का आक्रमण है जो 1025-26 में होता है। ठीक, जब ये आक्रमण करता है, अभी बता रहे हैं, अभी आएगा, सब आएगा, यहाँ पे जाने, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये आक्रमण करता है तो कारण क्या था। कारण तो धन की लूट तो थी ही। ठीक, और क्यों ये आक्रमण करता है, क्यों इसको डर नहीं लगा भारत पे आक्रमण करते समय, क्योंकि डर इसको नहीं लगा, क्योंकि ये जान चुका था कि भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे इस समय पाल भी थे, बताए थे पाल, महिपाल इनसे भाग जाते हैं। ठीक, महिपाल थे, पाल थे, फिर उसके बाद राष्ट्रकूट थे, फिर हिंदुशाही वंश थे, गुर और राजपूत थे। ये देखें थे कि सब लोग आपस में बटे हुए हैं, अगर हम एक पे आक्रमण करेंगे तो समझिए कि दूसरा हमको, दूसरा उनका साथ देने नहीं आएगा। ठीक ना, दूसरा उनका साथ देने नहीं आएगा। ठीक, ये समझिए कि एक को फिर मित्र बना करके वो दूसरे को आक्रमण भी करते थे। और समझिए कि अपने सेना में ऐसा नहीं है, सेना में क्या किए कि हिंदू को भर्ती किए, अब समझिए भर्ती किए जीतने के लिए, दिल जीतने के लिए कि हमारे सेना में देखिए हिंदू भी हैं। अब समझिए कि संस्कृत में सिक्का भी जारी करते हैं, संस्कृत लेख वाला सिक्का भी जारी करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये समझिए कि ये बहुत बड़े दिमाग से भारत को जीते थे। ठीक, जीत करके धन प्राप्त करके लेके चले जाते थे। ठीक, अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, अलप्त गिन अ आ रहा है, स आ रहा है, म आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब याद जैसे सीक्वेंस जैसे पूछ ले कि कैसे याद रखेंगे, असम नाम बस आपको याद रखना पड़ेगा, अलप्त गिन, सुगुप्त गिन, महमूद गजनवी। ठीक, असम, अलप्त गिन, सुगुप्त गिन और महमूद गजनवी, यानी ये राजा था और इनका एक गुलाम और दामाद दोनों थे सुगुप्त गिन, और इनके पुत्र थे महमूद गजनवी। कहीं कहीं पुत्र मिलता है, कहीं कहीं कुछ और मिलता है कि हाँ थे, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये पुत्र ही थे। ठीक, अब आइए महमूद गजनवी पे। ठीक, महमूद गजनवी, ध्यान दीजिएगा कि जन्म इतने में हुआ था और 30 तक थे। ठीक, अब महमूद गजनवी जिसे गजनी महमूद, गजनी के महमूद, यानी गजनी स्थान है, गजनी के महमूद। ठीक, नवंबर इतनी में और इतनी तक, ध्यान दीजिएगा, जन्म 71 में होता है। बस आप एक क्यों बता रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिए कि अगर क्वेश्चन लेट करके पूछे कि इस काल के, इसके मध्य इनके समकालीन कौन थे, क्योंकि राजपूत काल वाला हम पढ़ा चुके हैं, पाल पढ़ा चुके हैं, गुर्जर पढ़ा चुके हैं, सब पढ़ा चुके हैं, तो आपको एक रिलेटेड, चोल पढ़ा चुके हैं, आपको एक संबंध हो कि हाँ इस समय तो यार वहाँ पे वो राजा थे, तो इस समय वो थे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, महमूद जबूली नाम से जाना जाता था, गजनाविद का प्रमुख शासक, जिसने 997 ईस्वी से इतना ईस्वी तक, मृत्यु तक शासन किया। ठीक ना, गजनवी पर, एक गजनवी है, ध्यान दीजिएगा, गजनी पर जो शासन किया, महमूद गजनवी किया, जो समझिए 97 से लेकर के 30 तक, यानी 33 ईयर्स, यानी 33 वर्ष तक शासन किया, जिसकी धन का एकमात्र स्रोत था भारत में आक्रमण करना। ठीक, अब आइए ध्यान दीजिएगा, तक किया वह सुगुप्तगीन है, ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट है, सुगुप्तगीन का पुत्र था, कौन, सुगुप्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी। भारत की धन की, धन संपत्ति से आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, कई बार का मतलब 17 बार आक्रमण किए, ध्यान दीजिए 17 बार आक्रमण किया। और वास्तव में गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिससे आक्रमण का मुख्य मकसद, ध्यान दीजिएगा कि मुख्य मकसद क्या था, धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति एकमात्र उद्देश्य था, धन की प्राप्ति, बाकी कोई उद्देश्य नहीं था कि ये कुछ करेंगे। ठीक, वो धन की प्राप्ति थी। ठीक ना, अब आइए धन की प्राप्ति, अब ध्यान दीजिए, 1000 महमूद गजनवी आक्रमण किया, 1000 ईस्वी से भारत में महमूद गजनवी आक्रमण किया। अब एक एक आक्रमण आप देख लीजिए कब कब करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। महमूद गजनवी पहली बार आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है आधुनिक अफगानिस्तान में। ठीक, आधुनिक अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान पर हमला किया। इसने हिंदू शासक जयपाल, ध्यान दीजिए, जयपाल को पराजित किया।
यानी कि इसके इनके समकालीन जयपाल थे, जयपाल थे, ठीक, यानी एक मिला आपको, इनके समकालीन कौन थे, वो जयपाल थे। फिर देखिए क्या करते हैं, बाद में जयपाल ने आत्मदाह यानी कि आत्महत्या कर ली, ध्यान दीजिएगा आत्महत्या कर ली। अब ध्यान दीजिए, उसका पुत्र अनंगपाल, अनंतपाल था, अनंतपाल उसका उत्तराधिकारी बना, यानी कि ये दो लोग थे इनके कार्यकाल में थे। ये देखिए कि आप जो याद करना है इसमें कि किसने आत्महत्या कर लिया था इनके डर से, तो जयपाल थे, ठीक, जयपाल थे। गजनी ने भटिंडा भाटिया पर आक्रमण किया, ठीक, जो बहुत मतलब का नहीं है, इनका मतलब का आक्रमण बस दो है। ओ देखिए, अब गजनी ने मुल्तान पर भी आक्रमण किया, इस दौरान जो उनके पुत्र थे आनंदपाल उस पर हमला किया। गजनी महमूद ने भटिंडा के शासक सुखपाल पर आक्रमण किया, कोई वो नहीं है। गजनी ने पंजाब की पहाड़ियों यानी नागरकोट पर, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरकोट पर आक्रमण करता है, हमला करता है नागरकोट पर, कौन, महमूद गजनवी। सीक्वेंस में आ जाए तो समझिए कि ये सोमनाथ के बाद का है, सोमनाथ के बाद सिर्फ मात्र एक आक्रमण करता है, अभी बता रहे हैं। महमूद गजनवी ने आनंदपाल पर, आनंदपाल के शाही राज्य पर आक्रमण किया और वह हिंद के युद्ध में पेशावर के निकट हिंद शासक राजधानी को हरा दिया, हिंद शाही राजधानी तो थी उसको हरा दिए, जो बहुत मतलब का नहीं है, ठीक। अब आइए आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको बताए थे उत्तर भारत में कन्नौज जो था इस समय राजधानी थी, अब बहुत प्रमुख कारण था, इसी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कन्नौज की राजा चंदेला गौड़ को हराकर कन्नौज को जीत लिए, ध्यान दीजिए कन्नौज को भी ये जीत लेते हैं, जिसको तीन पहले तीन राजाओं के मध्य जिनको पाने के लिए वो थे, तो समझिए कन्नौज को भी जीत लेते हैं, लेकिन वहाँ पे शासन स्थापित नहीं करते हैं, आपको बार बार बता रहे हैं, इनका मात्र उद्देश्य था धन की प्राप्ति, ठीक। महमूद गजनवी द्वारा ग्वालियर पर 1023 ईस्वी में हमला हुआ और उस पर कब्जा कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है एक पार्ट है, सोमनाथ का मंदिर, ठीक, सोमनाथ के मंदिर को लूटते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं और तोड़ते हैं। जब सोमनाथ मंदिर को जब तोड़ देते हैं, फिर क्या होता है कि समझिए कि यहाँ का राजा कौन था, ध्यान दीजिएगा कि सोलंकी या चालुक्य यानी कि राजपूत काल के राजा भीम प्रथम थे, ठीक, कहाँ के, जब सोमनाथ पर आक्रमण किए तो यहाँ के शासक थे भीम प्रथम। अब क्या करते हैं, जब ये तोड़ करके चले जाते हैं तो फिर सोमनाथ मंदिर को भीम प्रथम पुनर्निर्माण करवाते हैं, यानी फिर से उसको पुनर्कित करवाते हैं, फिर से बनवाते हैं, ठीक, यानी कि सोमनाथ मंदिर पे जब आक्रमण हुआ तो उस समय यहाँ का राजा कौन था, भीम प्रथम था, ठीक। आइए, और अपने अधिकारी आखिरी आक्रमण के दौरान मलेरिया के कारण महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, ठीक। अब आइए, महमूद गजनवी ने क्यों भारत पर हमले किए, आपसे बताए ही, इसमें आप बहुत कुछ मत जानिए, क्यों भारत पर हमले किए, कि जिनका उद्देश्य था लूट और लूट, ठीक, जिनका उद्देश्य था लूट और धन की प्राप्ति, धन के लिए आक्रमण किए थे, ना कि सत्ता स्थापित करने के लिए किए थे, ठीक ना। अब आइए, इसी कारण उसने भारत पर एक के बाद एक हमले किए यानी आक्रमण किए। इसने भारत पर आक्रमण के दौरान धार्मिक आयाम को भी जोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, धार्मिक आयाम को भी जोड़ दिया। आपसे कहे थे ना कि संस्कृत के सिक्के जारी किए और सैनिक में हिंदुओं को भी शामिल किए, ठीक। अब देखिए, हिंदू को भी सेना में अपने भर्ती किए। इस गजनी ने सोमनाथ, कड़ंगा और मथुरा और ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करके मूर्ति तोड़ के रूप में, ध्यान दीजिएगा, सोमनाथ, कांगड़ा, मथुरा, ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़ करके ये नष्ट कर दिए, ठीक। भारत पर गजनवी के हमलों का असर, ध्यान दीजिएगा, असर क्या था, अब असर कैसा होगा,
बुरा ही होगा भारत के लिए। ठीक। यद्यपि भारत पर गजनवी के आक्रमण का कोई गहरा राजनीतिक असर नहीं हुआ। राजनीतिक असर कैसे होगा, अगर यहाँ पे सत्ता स्थापित करते तब तो राज असर होता ना। अब इस समय क्या था, भारत में खुद ही समझिए कि विकेंद्रीकरण की स्थिति थी। अब समझिए ना कोई एक राजा था, ना कोई एक संस्कृति थी, ना कोई एक शासन था, क्योंकि अलग अलग राजा थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनका अपना अलग अलग शासन था। ठीक। इसके लिए एक खुलासा और हुआ कि भारत पर राजनीतिक एक रूपता नहीं था, जो अभी बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक रूपता का मतलब जैसे जितने भी राजा थे वो समझिए कि एक मत नहीं थे, सबका अलग अलग था। जैसे कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए पाल पर आक्रमण किए, भीम पर आक्रमण किए, तो पाल क्या समझे, अरे जाने दीजिए वो हमारे दुश्मन है, वो चले जाएंगे तो वहाँ पर हम कब्जा कर लेंगे, वहाँ पे हम कब्जा कर लेंगे। एक कहावत है ना, दोस्त का दोस्त समझिए कि वो दुश्मन का दुश्मन दुश्मन ही होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि अगर वो उनका दुश्मन है तो हम उसको दोस्त बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें उस सत्ता प्राप्ति चाहिए, सत्ता चाहिए। ठीक। एक रूपता नहीं था। इस बात के भविष्य में ज़्यादा हम लोग को बुलावा दिया है। इसी बात के कारण समझिए कि भारत, समझिए कि 600 वर्ष तक समझिए कि भारत में इस्लामी सत्ता कायम रही। ठीक। मात्र एकता की वजह से, एकता नहीं थी। अब जहाँ पर भी एकता नहीं है वहाँ पर विखंडन शुरू हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय इतिहास में महमूद गौरी की गिनती, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा महमूद गजनवी से संबंधित, जब महमूद गजनवी थे तो उनका साहित्य, उनके ध्यान दीजिएगा कि उनके दरबार में, उनके समकाल, उनके साथ, महमूद गजनवी के साथ जब भारत में आक्रमण करने आए थे तो उनके साथ एक लेखक आए थे, अल बरूनी आए थे, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे अल बरूनी, ध्यान दीजिएगा, अल बरूनी आए थे गजनी के साथ, महमूद गजनवी के साथ। ठीक। आक्रमण के समय आए थे। तो इनकी जो रचना है, अल बरूनी की रचना है, ठीक, किताब उल हिंद, ये बीच में डैश क्यों दे रहे हैं, ये समझिए फारसी का लहजा है, फारसी वर्ड अब लिखा जा रहा है। ठीक। किताब उल हिंद। ठीक। अब इसकी भाषा क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा अरबी है, ना कि फारसी है। ठीक। अरबी में लिखी गई पहली पुस्तक जो भारत में साक्ष्य मिलते हैं वो किताब उल हिंद है। ठीक। किताब उल हिंद में कहा क्या गया है, किताब उल हिंद में ये कहा गया है, समकालीन भारत के बारे में, भारत के धर्म के बारे में, भारत के राज्य के बारे में, भारत के भूखूक खगोल के बारे में, वनस्पति पथ के बारे में, नदी के बारे में, इसी किताब उल हिंद में वर्णन है। ठीक। अब इसमें ये कहा गया है, भारत के लोग अपने आप को बहुत बड़े धर्मांत समझते हैं, ये सोचते हैं कि अगर कोई एक नीचा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति अगर छू दे तो वो चीज़ समझिए कि क्या अछूत हो जाती है, बहुत अछूत मानते थे। ये मानते थे कि हम समुद्र के पार, हमारा लाख लूट जाए, हम समुद्र की यात्रा नहीं करेंगे, समुद्र पार नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसी उसमें क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, भारत समझिए कि बर्बाद हो गया। ठीक। ये मानते थे। ठीक। ये मानते थे। फिर देखिए अल बरूनी हो गए। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि एक फिरदौसी थे, फिरदौसी, ठीक, फिरदौसी थे, ठीक ना, फिरदौसी भी इनके थे। फिरदौसी की जो रचना है वो शाहनामा है, शाहनामा, ध्यान दें, इन्हीं के दरबार में थे। ठीक। अब एक और थे उतबी, उतबी, उतबी थे, उतबी भी इन्हीं के दरबार में थे। ये माना जाता है कि उतबी इनके राजकीय कवि थे, राजकीय कवि थे, किसके, महमूद गजनवी के, ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी के राज की कवि माना जाता है उतबी। तो एक हैबाकी भी थे, हैबाकी, हैबाकी जो थे वो समझिएगा सुगुप्तगिन के काल के समय के थे, सुगुप्त इनके पिता के समय के थे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये तीन लोगों के, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, ये महमूद गजनवी के दरबार में थे। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा इन पर सबसे ज़्यादा जोर दीजिएगा अलबरूनी पे, कि अलबरूनी ये समझिए कि इनके समय युद्ध में आए थे, भारत आए थे, युद्ध जब कर रहे थे तो सेना के साथ भारत आए थे। ठीक। अब आइए आप, ठीक,
अब आइए आप। भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी गिनती महान शासकों में होती है। मोहम्मद गोरी एक निर्भीक और साहसी अफगान योद्धा था जिसने गजनी साम्राज्य के अधीन गोर नामक राज्य पर अपना सिक्का चलाया। ठीक, वह भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करता है। ध्यान दीजिएगा, भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव कौन रखता है? तो यही रखता है, ध्यान दीजिएगा, तुर्क साम्राज्य पूछ रहा है तो ये रखता है कौन? मोहम्मद गोरी। लेकिन गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? तो अभी बताएंगे आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। ठीक, अभी उसमें बताएंगे हम। ठीक, अब देखिए, मोहम्मद गोरी एक अपराजित विजेता था जिस सैन्य संचालन भी करता था। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, मोहम्मद गोरी जब आता है भारत में, समझिए कि सबसे पहले जो आक्रमण करता है मुल्तान पे करता है। मुल्तान का जो शासक था, समझिए कि फतेह दाऊद था। ठीक, फतेह दाऊद था, उस पर आक्रमण करता था। वो करमाथी मुसलमान था, एक संप्रदाय होता है पाकिस्तान का है, वो मुसलमान था। वो समझिए कि सबसे पहले मुल्तान पे करता है, जो कोई मतलब का नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, अब जब 1178 ईस्वी में, ठीक 1178 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करता है, तो मोहम्मद गोरी का सामना गोरी वर्सेस भीम प्रथम, जो बता चुके हैं भीम द्वितीय से होता है। ठीक, भीम द्वितीय से होता है। अब भीम द्वितीय क्या करते हैं? गोरी को हरा देते हैं। ठीक, अब समझिए, भारतीय इतिहास में किसी मुस्लिम राजा को हराने वाले पहले शासक भीम द्वितीय हैं। पहली बार किसी मुस्लिम राजा की, मुस्लिम सेना की, मुस्लिम सत्ता की हार हुई है, यानी गोरी की। ठीक, गोरी समझिए कि कई बार हारे हैं। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी और फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने क्रूरता के साथ भारत में लूटपाट की और आक्रमण किया। हालांकि गोरी का मकसद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। ध्यान दीजिएगा कि इनका क्या था, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। लेकिन जो महमूद गजनवी थे, उनका उद्देश्य क्या था? एकमात्र धन की प्राप्ति। ठीक, अब ध्यान दीजिए, मोहम्मद गोरी ने पूरी योजना के साथ एक इतना से, ध्यान दीजिएगा, ये 75 है, इतना से 86 के बीच पहले पंजाब पर अधिपत्य स्थापित करता है, फिर देखिए सियालकोट पर। ठीक, उसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान, अगर ये ध्यान दीजिएगा, ये तृतीय थे जो पृथ्वीराज चौहान, पानीपत का युद्ध होता है, ये पृथ्वीराज प्रथम द्वितीय तृतीय, ये क्या थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ठीक, अब समझिए कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनके दरबार में थे, दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा है। ठीक, अभी आएगा वर्णन इसमें, देखिएगा। तृतीय के क्षेत्र भटिंडा पर भी जबरदस्ती से अपना कब्जा जमा लिया, जिसके चलते बाद में चौहान वंश के शासक एवं साहसी वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा, आइए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, अब पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, अब ध्यान दीजिएगा, ये है, अब जो इनके मध्य युद्ध लड़ा गया, ध्यान दीजिएगा, इनके बीच जो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में लड़ा जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में लड़ा जाता है, जिसमें, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं। ठीक, जिसमें पृथ्वी वर्सेस गोरी, अब इनकी पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और गोरी की हार होती है। देखिए, दूसरी बार गोरी हारते हैं। ठीक, अब क्या होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध। अब क्या है, अब होता क्या है कि ये, समझिए, इनको माफ कर दिए थे, हराए थे पृथ्वीराज चौहान, इनको समझिए माफ कर दिए। ठीक, माफ कर देते हैं गोरी को, फिर गोरी जाता है वहां पे, फिर लौट जाता है, फिर क्या करता है, सोचता है कि हम फिर चढ़ाई करेंगे। फिर देखिए, फिर क्या करते हैं, सेकंड तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में होता है,
फिर ये कहा जाता है कि गोरी ने पृथ्वीराज को बंधक बना करके गजनी ले गया और मार दिया। अब समझिए इसमें कई कहानी है, अब कहानी आप थोड़ा जान लीजिए। ठीक, ये कहा जाता है कि जैसे इसकी इसका साक्ष्य किसमें मिलता है, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे, दरबारी कवि कौन थे, पृथ्वीराज रासो जो लिखे हैं चंद्रबरदाई थे, वो क्या कहे हैं कि समझिए कि एक गजनी लेकर जब इनको जाते हैं तो तीरंदाजों जो तीरंदाज होते हैं, धनुधारी होते हैं, उनका समझिए कि एक आयोजन हो, प्रतियोगिता होती है, तो उसमें क्या होते हैं तो ये भी रहते हैं, पृथ्वीराज चौहान को भी उसमें शामिल होते हैं, तो उनको ये अंधा कर देते हैं, कौन, गोरी। अब ये समझिए कि ये तीर से, अब समझिए कि तीर से मोहम्मद गोरी को मार देते हैं, जिससे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। ये पृथ्वीराज रासो की कहानी है, ठीक, जो समझिए कि असत्य भी मानी जाती है, सत्य भी मानी जाती है, लेकिन असत्य मानी जाती है, क्योंकि इनकी मृत्यु कब होती है, बहुत बाद में होती है। ठीक, अब आइए, अब समझिए कि ये पृथ्वीराज, जो ध्यान दीजिएगा, जो तराइन का युद्ध है वो पृथ्वीराज और गोरी के बीच हुआ है, ठीक, लेकिन चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ है, गोरी और जयचंद के मध्य हुआ है, जिसमें गोरी की विजय होती है। ध्यान दीजिएगा, गोरी मात्र दो बार हारे हैं, एक बार भीम द्वितीय से और एक बार इनसे। ठीक, आइए देखते हैं उसको। भारतीय इतिहास में दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध काफी चर्चित जहां है भारतीय इतिहास में, ठीक, भारतीय इतिहास में इस महान शासक मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक, आइए जानते हैं मोहम्मद गोरी। ठीक, पूरा नाम सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। और एक चीज ध्यान दीजिए कि विश्व में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा, पहला व्यक्ति कौन है, तो महमूद गजनवी है। ठीक, क्वेश्चन आ जाए कि अगर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला क्या गोरी है, नहीं, महमूद गजनवी है। ठीक, आइए, जन्म से कोई मतलब नहीं, अफगानिस्तान में होता है, ठीक, जिसका देख लीजिए साफ लिखा है, प्रमाण नहीं है, मृत्यु 6 में होती है। ठीक, झेलम क्षेत्र पाकिस्तान, मोहम्मद गोरी का जन्म एवं इतिहास जानिए। भारतीय इतिहास के महान योद्धा के जनक की तिथि के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ महान इतिहासकार मानते हैं, ठीक, मुइजुद्दीन नाम है, ठीक ना, मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन, ठीक, मोहम्मद का जन्म शिहाबुद्दीन, ठीक, शिहाबुद्दीन के नाम से हुआ था, जो बाद में मोहम्मद गोरी हो गया। आप कुछ मत जानिए, बस मोहम्मद गोरी जानिए, ठीक, हुआ था। अब आइए, एक गोर वंश का था, ये तो पता ही है। अब ध्यान दीजिएगा, गोरी राजवंश की स्थापना गोर के चाचा अल उद्दीन, जो कोई बहुत हो नहीं है, ठीक ना, कोई हो नहीं है। ठीक, आइए, जहां पे हम रहेगा वहां पे हम बता रहे हैं आपको। अब यहां पे आइए आप, मोहम्मद गोरी एक अफगान योद्धा था, जिसने अपने राज में कई तुर्क सेवादार रखे हुए थे, ठीक, जिसको गौरी ने अच्छी सैन्य और प्रशासनिक शिक्षा भी दी, जिसकी वजह से गोरी अपनी गुलाम तुर्क सेना पर भरोसा जीतने में सफल रहे। इसका तात्पर्य जानिए, ये क्या करते थे कि समझिए, सुयोग्य, ठीक, और कर्मठ गुलाम खरीदते थे, फिर उनको प्रशिक्षण देते थे, फिर उनको सेना में भर्ती करते थे, और उसी के बदौलत ये समझिए कि विजेता हुए, विस्तार में समझिए कि बहुत सहायक साबित हुए। ठीक, मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण, ध्यान दीजिएगा, यही हमें बताना था, ठीक ना, मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण, मोहम्मद गोरी एक कभी नहीं हार मानने वाला योद्धा था, कुशल अफगान सेनापति था, जिसका भारत पर आक्रमण कर भारत को जीतने का उद्देश्य मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के उद्देश्यों से अलग था, ठीक ना, जो परवर्ती लोग थे उनका क्या उद्देश्य था, धन की प्राप्ति, और इनका क्या उद्देश्य था, एक तुर्क साम्राज्य की स्थापना करना, वो करते भी हैं, नींव रख देते हैं, ठीक ना। मोहम्मद गोरी न सिर्फ भारत को लूटपाट कर भारत पर अपना सिक्का चलाना चाहता था, बल्कि
उसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज की स्थापना करना था, इसलिए भारतीय इतिहास में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी माना जाता है। लेकिन नोट करके जानिए, भारत में तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। ठीक, इल्तुतमिश संस्थापक तो ये हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक जिसने सिक्के जारी किए, राजधानी स्थापित किया दिल्ली को, और समझिए कि सेना का गठन किया और सिक्का चलाए, वो कौन थे? मोहम्मद इल्तुतमिश थे, यानी कि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। ठीक, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले 75 में मुल्तान पर आक्रमण किया। देखिए बता दिए आपको, मुल्तान पर आक्रमण करते हैं जब वहाँ के सिया मत को मानने वाले कर्माथी ठीक शासन कर रहे थे। तो हालांकि गोरी ने मुल्तान पर जीत हासिल की, इसके बाद पूरे भारत में इस्लामी राज्य स्थापना करने से उद्देश्य से गोरी 78 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है। बताए थे ना, जब इतना पे करते हैं आक्रमण तो भीम द्वितीय इनको तुरंत पराजित कर देते हैं। किसको? मोहम्मद गोरी को। यानी इसीलिए माना जाता है कि किसी मुस्लिम शासक को पराजित करने वाले पहले राजा कौन थे? तो भीम द्वितीय थे। ठीक, हालांकि गुजरात के शासक गौरी की नापाक चाल को नाकाम कर दिया। देखिए बताया था ना, नापाक कर दिया मतलब क्या कि इनको हरा दिए, गुजरात से खदेड़ दिया। यह गौरी की पहली हार थी, ध्यान दीजिएगा, जिससे सबक लेकर मोहम्मद गोरी ने भारत में अपने विजय अभियान के मार्ग परिवर्तन कर पंजाब की तरफ से भारत में अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। ठीक, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अजमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक, ये पृथ्वीराज तृतीय हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं को चौहान कहा जाता है। इन्हीं के मध्य भी हम कहानी बता चुके हैं, पानीपत का, ओ तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 ईस्वी में बता चुके हैं। 1191 में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी हारते हैं और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारते हैं। ठीक, देखिए, वही ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज शत्रु राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए उकसाया था। अब देखिए, ये कहा जाता है कि जो जयचंद थे, वो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य नहीं आपसी बनती थी, तो ये क्या करते हैं, कहा जाता है कि ये मोहम्मद गोरी को जयचंद बुलाते हैं इनको हराने के लिए, मगर ये नहीं जानते हैं जो मोहम्मद गोरी इनके साथ कर रहा है वही बाद में हमारे साथ भी करेगा। तो किया भी, चंदावर के युद्ध में समझिए कि जो 1194 ईस्वी में क्या करता है मोहम्मद गोरी, वो समझिए कि जयचंद को भी पराजित कर देता है। ठीक, जयचंद को भी पराजित करता है, वही है कहानी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के पहला युद्ध जो हुआ था, देखिए तराइन का युद्ध था जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित होता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। ठीक, जिसका साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ठीक, अब आइए, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच दूसरा युद्ध। अब दूसरा युद्ध जो हो वो भी तराइन का, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। तो इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। इस पराजय का तात्पर्य आप समझिएगा कि मृत्यु से, ठीक, होती है। जिनका साक्ष्य समझिए कि जो चंद बरदाई थे, इनके दरबारी कवि थे, उनकी रचना पृथ्वीराज रासो में मिलती है। माना जाता है पृथ्वीराज रासो भारतीय इतिहास का पहला महाकाव्य है। ठीक, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी ने अपनी अधिक शक्ति और साहस के साथ पृथ्वीराज चौहान पर 92 में तराइन के मैदान में यानी द्वितीय युद्ध फिर लड़ा। फिर क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को फिर वो पराजित कर देता है। ये कहा जाता है ना, जख्मी शेर अगर दोबारा आक्रमण करता है तो वो समझिए कि बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है। एक बार हार गए थे, दोबारा जब आक्रमण किए तो समझिए कि बहुत बुरी तरह से इनको हराए, कि बुरी तरह से मतलब समझिए इनको मार दिए। ठीक, मार दिए। अब आइए, मोहम्मद गोरी के मृत्यु से के लेकर क्या मत है,
देखिए वही जो कहानी हमको बताए थे कि कैसे मोहम्मद गोरी मरते हैं, ठीक। पृथ्वीराज के करीबी दोस्त और महाकवि चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वी राज रासो, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की, और पृथ्वीराज विजय जगनिक भट्ट की रचना है, ठीक ना। अब इसमें कहा गया है कि ये पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो समझिए कि मोहम्मद गोरी को मार देते हैं, ठीक। जो कहानी है किसमें मिलता है? उसी में मिलता है, ठीक ना, वही कहानी है। देखिए, जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया और उन्हें अपने साथ गजनी ले गया, जो कहानी हम बताए थे। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शब्द भेदी बाण से अद्भुत कला से मोहम्मद गोरी के दरबार में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में गौरी को मार दिया, और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान चंद बरदाई भी मारे गए, ठीक। अब इसमें ये कहानी है, ठीक। अभी और कहानी आपको मिलेगी जैसे जैसे किताब पढ़ेंगे ना। किताब में तो समझिए कि सार है, और किताब में बहुत कम से कम 4 पेज की इनकी कहानी दिया है, ठीक। ये देता है कि मंच पे बैठे रहते हैं, फिर होता है, फिर वो एक चौपाई पढ़ते हैं, उस चौपाई पे निशाना भिड़ाते हैं, फिर समझिए कि उनको मार देते हैं। जबकि अन्य इतिहासकार इनके मुताबिक तराइन के द्वितीय युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और गोरी ने उन्हें अजमेर में अपने अधीन रखकर शासन करवाता है। देखिए इतिहासकार ये मानते हैं, लेकिन आप ये सब जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें बस यही जानना है कि दो युद्ध लड़े गए थे, दोनों में समझिए कि दोनों का परिणाम निकला था, जो अंतिम परिणाम है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है, ठीक। अब देखिए मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य, ठीक। अभी बता ही चुके हैं, जयचंद इनको बुलाते हैं पहले चौहान को हराने के लिए, फिर ये क्या करते हैं, फिर इनके मध्य जो युद्ध होता है चंदावर का युद्ध, ठीक। चंदावर का युद्ध जो होता है 1194 ईस्वी में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और जयचंद की हार होती है। यही कहानी है इसकी, ठीक। जिसे देखिए अब क्या होता है, अब देखिए युद्ध जीतने के बाद गौरी अपने राज्य गजनी वापस लौट जाता है। हालांकि इससे पहले उसने अपने काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन को दिल्ली का सुल्तान बना देता है। ध्यान दीजिएगा, जो मोहम्मद बिन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है, जिसको चुनता है, और जाके 1206 ईस्वी में इसकी मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और समझिए कि जो ये ऐबक है ये गुलाम था, किसका? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और ये भी माना जाता है कि शुरू में तो गुलाम था, लेकिन अंत में ये गुलाम से मुक्त हो गया, और समझिए कि ये स्वतंत्र माँ बाप से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको गुलाम नहीं कह सकते, गुलाम नहीं था। जो जिस वंश की स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या उसको गुलाम वंश था या मामलुक वंश था? तो कुछ लोग ये कहते हैं गुलाम वंश नहीं कह सकते, क्योंकि अंत में गुलाम की बेड़ी ये उतार फेंके थे, ठीक। अब यही है, देखिए कुछ इतिहासकार के मुताबिक साल 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मौत के बाद भारत पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए गुलाम वंश की नींव डाली, जिसकी नींव पर दिल्ली सल्तनत और खिलजी, मुगल, लोदी, तुगलक, सैयद आदि राजवंश बने, ठीक। देखिए आधारशिला रखी, ठीक। तो समझिए कि अब वही सब है जो अब आगे हमें दिल्ली सल्तनत जो बताए थे, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है। अब समझिए कि अभी समझिए प्री सल्तनत पढ़ाए हैं, ठीक। प्री सल्तनत यानी कि सल्तनत वंश की सल्तनत की स्थापना होने से पहला वाला पार्ट है, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्लास है, जो कल क्लास है, उस अब समझिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसमें कितने भाग हैं वो सब बताए हैं, कल सब बताना है, कैसे क्या है क्या नहीं है, समझिए कि इसमें कितने वंश आते हैं, ठीक। अब समझिए कि आज यहीं तक, थैंक यू।